कुछ लोग क्या करते हैं, नए किसान भाई होते हैं, अंडे का उनको पता है कि अभी सर्दी में अंडा अच्छा बिक रहा है, तो अभी धोखेधड़ी में वो अंडे के लिए बच्चा डाल देते हैं इस टाइम पे डबल RIR का, ब्लैक एस्लॉप का। भाई ये सोचो आप, 6 महीने बाद कब आएगा, 6 महीने, मई जून में अंडा देना शुरू करेगा, तो क्या करोगे आप अंडा बेच के मई जून में? तो अच्छा ये है कि आप मई जून में बच्चा लें, अक्टूबर नवंबर तक अंडा स्टार्ट हो और वो शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाइयों, रहमान तुर्की दुम्बा फार्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं विपिन चौधरी जी के मुर्गी फार्म पर, जो पेशे से बीटेक हैं और ब्लैक एस्ट्रोलॉब पे काम करते हैं। आइए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। विपिन चौधरी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, और बाकी सभी दर्शकों को नमस्कार, आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं उनका स्वागत है आपके चैनल पर, और आप हमारे फार्म पे आए, आपने समय दिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और बाकी जैसा आपने बताया कि नाम तो बता ही दिया है, नाम दोस्तों मेरा विपिन चौधरी है, ग्राम अरोला, पोस्ट बास्टा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी वेस्ट में मेरठ मुरादाबाद बिजनौर के आसपास में पड़ता है। जो भाई नहीं जानते उनके लिए बता दूँ, क्योंकि कई बार होता है फ़ोन आते हैं काफ़ी दूर दूर, सिक्किम असम से भी फ़ोन आ जाते हैं मेरे पास में। तो बाकी जैसा आपने बताया कि वैसे तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अभी भी जॉब चल रही है, जॉब के साथ में मैंने पहले तो लॉकडाउन में जॉब के बाद ही मैंने ये काम शुरू किया था, उस टाइम जॉब वगैरह नहीं कर रहा था, लेकिन कोविड में सिचुएशन सभी की ऐसी थी कि कुछ ना कुछ आदमी को अलग हाथ हट के देखना ही पड़ा, तो उसके बाद हमने ये काम शुरू किया था और पिछले 2 साल से मैं देसी मुर्गी फार्म चला रहा हूँ अपना। अच्छा विपिन चौधरी जी, ये बताइए कि देसी मुर्गी फार्म में जो है कौन कौन से ब्रीड हैं और कौन सा ब्रीड जो है बेहतरीन है अंडे देने के? देसी मुर्गी फार्म में बहुत सारी ब्रीड हैं, जैसे ब्लैक एस्टलोप है, RIR है, FFG है, सोनाली है, बहुत सारी ब्रीड हैं जो अपने क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से काम करती हैं। अपने यहाँ यूपी वेस्ट में और करनाल वगैरह में, इस क्षेत्र में अगर हम बात करूँ हरियाणा की, तो यहाँ FFG ज़्यादा चलता है। देसी की बात करूँ मैं, देसी में FFG ज़्यादा चलता है यहाँ पे। बाकी बिहार साइड में आप जाओगे तो सोनाली आपको ज़्यादा मिलेगा जी। और RIR और ब्लैक एस्टलॉप भी अंडे पर्पस से ज़्यादा होता है, और अगर आपको मीट पर्पस रखना है तो आप FFG रख सकते हो। और बहुत बहुत सारी वैरायटी है इसमें, वो जैसे कि जिसको स्पेशली किसी पर्पज से पालनी है, फाइटर के लिए साहब चाहिए, असील का मुर्गा है, तो अलग अलग होते हैं, जिसका ज़्यादा शौक है वो क्षेत्र के हिसाब से, जहाँ जैसी मार्केटिंग उसके हिसाब से सभी लोग पालते हैं। अच्छा ये जो है, हमारे भाइयों को बताइए कि ये ब्लैक एस्ट्रोलॉब जो है, ये इसका साल का एवरेज क्या है अंडे देने का? देखिए कहने को तो लोग कहते हैं जी, वीडियो में हमने काफ़ी देखा है, हमने भी यूट्यूब पर दूसरों से देखा है कि साल के 300-350 तक अंडे दे देती है, सालाना रोज देती है अंडा। मैं भी लेके आया हूँ इसको, लेकिन देखिए जो बच्चा आप स्टार्टिंग से तैयार करोगे, अपने यहाँ पालोगे, 6 महीने पालोगे, उसके बाद हो सकता है आपके फार्म पर रहे वो अंडा बढ़िया देगा। लेकिन जैसे मैं ये मुर्गी करनाल से, मोहित मुंजाल जी हैं, सभी लोग जानते हैं, जो ब्लैक एस्टलॉब के फेमस बंदा है, तो उनके फार्म से लाया था, तो आने के बाद बढ़िया अंडा दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं हुई, 10-15 दिन बहुत बढ़िया अंडा दिया, 130-135 अंडे दिए 200 मुर्गियों ने, 70% के समथिंग मेरा अंडा आया। लेकिन जैसे वहाँ का वातावरण चेंज हुआ, नई फार्म पे मुर्गी आई पुराने फार्म से, दाना मेरा दूसरी कंपनी का मैंने खिलाना शुरू किया, या घर का दाना, अभी तो मैं इनको घर का अपना बना हुआ दाना खिला रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो अंडा कम होता चला गया। फिर मैंने वो दोबारा दाना बनवाया, कि स्पेशल अपना घर का दाना तैयार करवाया, किसी लेयर बर्ड का जो फार्म होता है, जो फार्मी अंडा बोल देते हैं, उसके फार्म से मैंने स्पेशल दाना तैयार करवाया, तब धीरे धीरे जाके इनका थोड़ा अंडा बढ़ना शुरू हुआ। तो अभी मेरा अभी तो कम है अंडा, बहुत कम आ रहा है, इस टाइम पर सर्दी का मौसम ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से अभी भी इन्होंने अंडा कम देना शुरू कर दिया है। लेकिन यह है कि गर्मी में भी अंडा देने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बच्चे में वो हैचरी में अंडा चला जाएगा। अच्छा हैचरी में चला जाता है गर्मियों में। अभी अंडा जो है आप खुद से बेच रहे हैं, क्या मार्केट है इसकी, कहाँ कहाँ कितने का बिक रहा है? जैसा कि मेरा 2 साल से फार्म चला रहा हूँ, तो मार्केटिंग तो इतनी हो गई है कि मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे अंडा बेचने में। और अभी भी 2-3 दिन पहले एडवांस लोग बागों के फ़ोन आ जाते हैं एडवांस अंडा लेने के लिए, कि आप अंडा मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो अंडा कम हो रहा है थोड़ा सा, ये भी कह सकते हो। अभी 50 अंडे हो रहे हैं, तो आसपास के इतने सारे गांव हैं, मेरा ही गांव है, बहुत डिमांड रहती है अंडे की सर्दी में, तो बहुत बढ़िया आपका अक्टूबर से लेके और मार्च तक बहुत बढ़िया अंडा बिकता है, लेकिन उसके बाद कोई अंडे को पूछता नहीं है। अच्छा विपिन भैया ये बताइए, इसका बच्चा कितने का है और बड़ा जो है बर्ड कितने का देते हो, मेल फीमेल कितने कितने का है? देखिए मेरे पास में, पहली बात मैं बेचता नहीं हूँ, बहुत कम बेचता हूँ ब्लैक एस्टलॉप में से, FFG RIR उसमें से मैं निकालता रहता हूँ, क्योंकि ये मैं खरीद के स्पेशल पर्पज से लाया था, हैचरी के पर्पज से, और अभी तो सर्दी का सीजन है तो खाने में अंडा जा रहा है, फिर भी कोई लेने वाला आता है तो 600-650 तक की मैं कम से कम मुर्गी देता हूँ, उसे नीचे नहीं देता हूँ। बाकी इसका मुर्गा तो मैं लेके आया था जब ये मुर्गियाँ, तो उन्होंने मुर्गा मुझे एक भी दिया ही नहीं था, एक मुर्गा धोखे से रात में वो आ गया था, वो बंदे ने भरते हुए पता नहीं कैसे मुर्गी की जगह मुर्गा रख दिया होगा। तो मेरे पास में खुद के कुछ मुर्गे मैंने तैयार किए थे, पंतनगर से इसका अंडा मंगवाया था, वहाँ से तैयार किया था,
तो एक दो मुर्गा मैंने उनमें से दिया है, 1200 1100 1100 से नीचे कोई मुर्गा मैंने नहीं दिया है इसका। इसमें छोटा बच्चा कितने का होता है इसका? अभी मेरे पास में भी हैं छोटे बच्चे, 150 बच्चे हैं, तो मैं लेके आया था उस टाइम सर्दी का सीजन था थोड़ा, अभी अक्टूबर में 25 अक्टूबर को मैं बच्चा लेके आया था ये, तो उस टाइम तो 35 रुपये तक के समथिंग का चल रहा था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे इसका सीजन पीक पे आएगा, आप कह सकते हो मार्च अप्रैल में, इसका बच्चा 45-50 रुपये तक का भी बिक जाता है। अच्छा, इसमें जो है बच्चा और मैं, इनमें आने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे आप फार्म की साफ़ सफाई नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, या वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन कौन कौन सी करते हैं आप? तो बीमारी CRD है, गम्बोरो है, रानी खेत है, बहुत सारी बीमारियाँ आने के चांस रहते हैं। और वैक्सीन करने के लिए स्टार्टिंग में पहले दिन से तो आपकी वैक्सीन होके आएगी फार्म से ही, जहाँ से आप बच्चा ले रहे हैं। उसके बाद आप 7वें दिन रानी खेत, 14 दिन गम्बोरो, 21वें दिन फिर से रानी खेत, 28वें दिन गम्बोरो, तो इस तरह से वैक्सीन। और अपने यहाँ जैसे लोकल में मैं हूँ, तो लोकल में यहाँ पे आसपास में क्या है कि कोई स्पेशल पोल्ट्री फार्म की दवाइयाँ मेडिसिन नहीं मिलती है, वैक्सीन नहीं मिलती है। अच्छा भैया, एक जो है इसमें जो है बच्चे से और बड़ा होने तक, अंडे देने तक जो है बर्ड है, वो कितना खर्च करने के बाद जो है अंडों पर आ जाता है? मान के चलिए अगर आप RIR या ब्लैक एस्टलोप पाल रहे हैं, कम से कम ही तो 300-350 रुपये आपके पर बर्ड खर्चा आ ही जाएगा। अगर आप उसको लेयर फीड खिलाएंगे, ग्रोवर फीड खिलाएंगे, घर का दाना खिलाएंगे, बहुत हल्का दाना रखेंगे तब, और वहीं वो बच्चा आपका WFG का है। और अगर आपने उसको 6 महीने के लिए पाल दिया, तो जी मुर्गी फार्म में भी ये कहावत हो गई है, पहले तो ये दाना खाएंगे फिर घर को खा जाएंगे। तो ये WFG की असलियत है कि अगर आप WFG धोखे से अंडा पर्पज से पाल रहे हैं तो नुकसान का सौदा है। WFG का तो बच्चा तैयार होते ही 2 से 2.5 किलो का होते ही, अगर आपका 150 रुपये किलो में भी बिक रहा है ना लोकल में, तो आप बेच दो। और ख़ास करके मुर्गियाँ, हो सकता है आप मुर्गा फुटकर में 500-600 रुपये का 3 किलो का बेच दें, लेकिन अगर आपकी मुर्गी 2 किलो 3 किलो की हो गई है, तो आपके 300 में भी कोई ले रहा है ना, 300-350 में मुर्गी जा रही है WFG की, तो तुरंत बेच देंगे। अगर आपको मुर्गी बेचकर 50 रुपये मुर्गी बच रहा है ना, तो फायदे में है आप। अच्छा विपिन भैया, ये शेड देख रहे हैं हम सामने, इसको बनाने में जो लागत आई थी वो कितनी आ गई थी आपकी, और कितने बर्ड रख सकते हैं आप इसमें? देखिए, इसमें मेरा ये 1000 स्क्वायर फीट में है। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूं, तो इसमें मैं एक साथ 3-3, 4-4 बच्चे ब्रूडिंग करता हूं। चाहे छोटा बच्चा मेरे पास में क्या है, मार्केटिंग काफ़ी हो गई है, तो लोग जो नए किसान भाई हैं वो ब्रूडिंग के हुआ बच्चा लेना पसंद करते हैं, तो मैं इसमें 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ डाल देता हूँ छोटे बच्चे। और बड़े की बात करूँ, तो बड़े में भी अभी मेरे पास 150 ये ब्लैक एस्टलोप की मुर्गियाँ हैं, कुछ अलग मुर्गियाँ हैं, 50-60 मुर्गियाँ और हैं, और बाकी बच्चा बड़ा हुआ है अभी 150। तो एक साथ मैं इसमें 600 बच्चा बड़े आराम से बड़ा बच्चा तैयार करना चाहूँ, तो 600 बच्चा 600-650। कितनी लागत में बन के तैयार हो गया था शेड? इसमें मैंने क्या किया था, जब मेरा पहले फार्म बनाया हुआ था, हमने कच्चा फार्म चलाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ चीज़ें सीख के उस फार्म से हमने बनाया, तो ये लोहा वगैरह मैंने सारा कबाड़ियों से पुराना लिया था। अच्छा। उसके बावजूद भी मेरा इसमें लगभग 2 लाख के समथिंग मेरा खर्चा आ गया था इसमें, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है, ऊपर टीन सेड है, ये नंबर 1 क्वालिटी की सीमेंट की चादर डाली थी, बीच में अलग अलग 4 पोर्शन इसके बनाए हुए हैं, और बाकी लोहे के एंगल हैं, मतलब ऐसा किया हुआ है कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ, ताला लगाता हूँ, दाना पानी भरता हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए 1 दिन के लिए इतना दाना पानी भर जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है कि बंद रहता है प्रॉपर। ये बताइए विपिन भैया कि जो है अगर कोई 1000 मुर्गियों से काम शुरू करना चाहे तो वो क्या, मतलब उसमें जो है प्रॉफिट कमा सकता है जब अंडे देने का? अगर मुर्गियों से काम करना कोई शुरू चाहे और अंडे के पर्पज से काम करना चाहता है, और कौन सी बेस्ट रहेगी? बेस्ट तो ब्लैक एस्टलोप ही रहेगी, बाकी RIR भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा अंडे के लिए कर रहे हो तो कोई और मुर्गी ना लें, ब्लैक एस्टलोप या RIR ही लें। और अगर आप 1000 मुर्गियों से शुरू करते हो तो अपनी मार्केटिंग पहले बना लें। अच्छा, या तो आप 200-300 से शुरू करें, अगर आप नए हैं तो 200-300 से ज़्यादा शुरू ना करें। और मैं तो सलाह दूंगा, जैसे अभी होली का सीन आ रहा है, तो अभी जिसको करना है 150 बच्चों से स्टार्ट करके देख सकता है, वो 100-200 बच्चे WFG के डाले होली पर्पज से, 2 से 3 महीने में उसका तैयार हो जाएगा, और होली से उसको एक्सपेंस भी हो जाएगा थोड़ा सा, और ठीक ठाक आमदनी भी हो जाएगी अगर अभी शुरू करता है तो। मार्केट बनाने का जो है क्या है, मुर्गी तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन मार्केट अब बनाना है, अंडा बेचना है, मुर्गी बेचनी है, मुर्गा बेचना है, तो वो किस तरीके से बनाएं कोई नया अगर हो तो? देखिए, आज की डेट में जितने ट्रेडर लोग हैं, उन्होंने जो फार्मर है उनकी ऐसी तैसी कर रखी है, सही कहूँ तो क्या है कि फार्मर आपका दाने का खर्चा मैं अगर अभी निकालूं तो मैं 15 रुपये अंडा बेच रहा हूं अभी आज की डेट में, उसमें भी मेरे दाने के खर्चे का औसत नहीं आ रहा, क्योंकि मुर्गी अंडा कम दे रही सर्दी का मौसम है। और जो अंडा बाहर से करनाल से जो आता है, कहने को तो प्योर देसी आता है वो, लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी होती है। अगर आप मुर्गी को देखोगे जाके, मैं तो बहुत फार्मों विजिट करता रहता हूँ, करनाल वगैरह भी गया हुआ हूँ,
तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है, वो आपको देखने में बिल्कुल ब्रॉयलर मुर्गी लगेगी, वही अंडा होता है। बहुत सारी वैरायटी होती है इसमें ब्रॉयलर में भी, जो अंडा ब्राउन कलर में देती है। तो लोग बाग, अब मैं क्या कहूँ, देखने वाले दर्शक भी देख रहे हैं, प्योर देसी की बात करूँ तो घर का दाना खा के जो मुर्गी अंडा दे रही है वही प्योर देसी होगी। बाकी कहने को क्या है कि आप ठेले पर जाएंगे वो आपको अंडा फोड़ कर दिखा देगा, जी देखो हमारा अंडा तो बिल्कुल लाल है एकदम, मेरा अंडा पीला आ रहा है। वो दाने पर डिपेंड करता है मैं दाना कैसा खिला रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं, वो दाने में कलर मिक्स कर देते हैं। आप पीला कलर मिक्स करोगे, हल्दी मिला दोगे दाने में, तो आपके अंडे की गिरी पीली हो जाएगी। आप उसमें लाल रसगुल्ले वाला कलर है इस टाइप से लाल कलर मिला देंगे, तो लाल मिर्च खुला देंगे तो आपकी गिरी लाल हो जाएगी। तो ये अपने हाथ में होता है। तो वही अंडा जो लेयर बर्ड का उनका अंडा लेयर फार्म से चल रहा है, दाने से चल रहा है, वही अंडा मार्केट में चलता है, तो उसमें उतना औसत नहीं आता है। देसी की बात करूँ तो प्योर देसी तो अपना ये गाँव वाला ही होगा। तो नए भाइयों के लिए जो है क्या संदेश है आप जो है? भाई जो नए भाई देख रहे हैं और खासकर जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं उनको तो मैं ये काम कैसा रहेगा, अगर हजार को मैं ये सलाह दूंगा कि भाई पहले तो आप अपनी नौकरी करते रहें, साथ में साइड में कोई आपका करने वाला है संभालने वाला है तो उसके साथ में स्टार्ट करें, अपनी मार्केट बनाएं। आपको लगता है प्रॉफिट, आप 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग बन जाए, तो उसके बाद आप छोड़ के आप एक साथ काम शुरू कर सकते हैं। और जो बिल्कुल नए हैं, जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं और पूंजी भी नहीं है, पैसा भी नहीं उनके पास लगाने के लिए, 20-50 हज़ार शुरू करना चाहते हैं, तो उनको सलाह दूंगा कि भाई पहले अपना छोटा सा फार्म कच्चा बनाएं, छप्पर वगैरह डालें, उसके बाद फार्म बना के 100-200 बच्चों से आप ये काम शुरू करें, ज़्यादा बच्चे ना डालें, 200-300 से शुरू करें। और आपके पास पैसा है, मार्केटिंग है, आपके थोक के डीलर आपके पास में है, तब आप 1000-2000 कितने से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मीट पर्पज़ से कर रहे हैं, होली का मौसम है, तो आप WFG ही लें। बाकी अंडे के लिए करना चाहते हैं तो आप RIR और ब्लैक एसलोप से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो मई जून में ही बच्चा डालें। कुछ लोग क्या करते हैं, नए किसान भाई होते हैं अंडे का, उनको पता है कि अभी सर्दी में अंडा अच्छा बिक रहा है, तो अभी धोखे धड़ी में वो अंडे के लिए बच्चा डाल देते हैं इस टाइम पे RIR का या ब्लैक एसलोप का। भाई ये सोचो आप 6 महीने बाद कब आएगा, 6 महीने मई जून में अंडा देना शुरू करेगा तो क्या करोगे आप अंडा बेच के मई जून में? तो अच्छा ये है कि आप मई जून में बच्चा लें, अक्टूबर नवंबर तक अंडा स्टार्ट हो और वो शुरू करें। और नए भाई हैं जो, उनको सलाह यही दूंगा कम से कम में शुरू करें और पहले अपनी मार्केटिंग बनाएं, अपना फार्म ऐसी जगह बनाएं जो मेन रोड आपके गांव देहात को जोड़ रही हो, उस पर बनाएं। गांव देहात में एकदम बीच में ऐसी जगह ना बनाएं जहां पे कोई आपको जानता नहीं, फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी मार्केटिंग करने के लिए। और बाकी जो भाई WFG का बच्चा ब्रूडिंग किया हुआ, वैक्सीन लगा हुआ, 1 दिन से 20 दिन 25 दिन तैयार माल लेना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पर आपके डिस्क्रिप्शन में आप नंबर डाल देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, किसान कनेक्शन से नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका भी लिंक मैं डलवा दूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी उस पर भी मैं समय समय पर जानकारी डालता रहता हूँ। और बाकी बच्चा तो मेरे पास में ऑन डिमांड, जैसा बच्चा जो भी चाहे, असील से लेके आप ब्लैक एस्टलोप है, RIR, WFG, कुछ भी, कितना भी ऑल ओवर इंडिया दिलवा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं यूपी वेस्ट में ही। अगर आपको एक दिन के बच्चे की बात करें, ऑल ओवर इंडिया हम कहीं पर भी उसकी डिलीवरी करा सकते हैं। तो भाइयों, ये थे विपिन चौधरी जी, इन्होंने अपने ख्यालात जो है बहुत ही बेबाकी के साथ जो है आप लोगों से साझा किए। ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा जैसी इन्होंने बताई है। तो भाई हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय किसान।